बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई है जिसमें आपको बहुत ही प्यारे स्टाइलिश ड्रेस दिखाए जाएंगे। आप इस तरह के अपने दामन और दुपट्टे के डिजाइन बनवा सकती हैं। हमारी आइडियाज वीडियो होती हैं, आप हमारी वीडियो से देखकर आइडियाज ले सकती हैं। आप इस तरह के अपने ड्रेस स्टिच करवा सकती हैं। अगर आपको सिलाई करना आता है तो आप इस तरह के ड्रेस खुद भी सिलाई कर सकती हैं, जैसे कि ये बहुत खूबसूरत प्यारा ड्रेस है। अगर आपको सिलाई करना नहीं आता तो आप हमारी वीडियो स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलर को दिखाकर इस तरह के आप ड्रेस तैयार करवा सकती हैं अपने लिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है, हमारी वीडियो से आपको कोई ड्रेस पसंद आ जाए और आप अपने लिए इस तरह के ड्रेस तैयार करवा सकें। अगर आप इसको इस तरह के ड्रेस पहनना बहुत पसंद है तो आप इस तरह के ड्रेस स्टिच करवा सकते हैं। लड़कियों को इस तरह के ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आपको न्यू फैशन के प्यारे डिजाइन दिखाऊं। अगर आपको इनमें से कोई डिजाइन पसंद आ जाए तो आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। अगर आप इन ड्रेस जैसी और भी वीडियो देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पर बहुत ही प्यारी वीडियो मौजूद है, वहां से विजिट करके वो वाली वीडियो भी मेरी देख सकती हैं। अगर आपने कोई वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करेंगी तो मैं आपके लिए भी वीडियो बना दूंगी। ये देखें, बहुत प्यारी स्टिचिंग है, आप भी इस तरह से करवा सकती हैं। आप इस तरह से आप अपने लोन के ड्रेस खरीद भी सकती हैं शॉप से। अगर आपको शॉप से ना मिले तो आप इस तरह के ड्रेस ऑनलाइन भी खरीद सकती हैं। ये देखें, दामन का डिजाइन बहुत प्यारा है और गले के डिजाइन, बाजू के डिजाइन आप खुद से इस तरह के बनवा सकती हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और मेरी वीडियो को शेयर भी करना है। ये देखें, बहुत ही प्यारे इस तरह से आप अपने बाजू, दामन और गले के डिजाइन बनवा सकती हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन है और गले का डिजाइन भी बहुत प्यारा है जैसे इन्होंने बनवाया हुआ है। और ये ट्राउजर का डिजाइन भी बहुत प्यारा है, गले का डिजाइन, बाजू का डिजाइन। आप इस तरह से अपने खूबसूरत ड्रेस तैयार करवा सकती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।